जय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पैराकमांडो। पैराकमांडो फिटनेस अकेडमी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, फिर से आपके सामने देख सकते हो एसएससी जीटी फिजिकल के लिए आया है और अभी एडमिशन होने के लिए आया। आपके साथ रूबरू कराने वाला हूं। आशा करता हूं आप लोग फिट होगा, तंदुरुस्त होगा और जो भी अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं यू नंबर 12 करके आ सकते हो। हमारी जो अकेडमी त्रिपुरा अगरतला विशालगढ़ में है, जो भी त्रिपुरा का रहने वाला लोकल बच्चे आ सकते हो हमारे अकेडमी में, दूर का बच्चे भी आ सकते हो। तो सबसे पहले इनसे हमारी जो स्टूडेंट से बात कराएंगे और आप स्टूडेंट क्या नाम है आपकी, इनका नाम बताइए प्लीज। विप्लव दास। आइए आपकी फादर प्लीज आपका नाम बताइए। विप्लव दास। तो आपकी बेटे को लेके आया, तो आपने मर्जी से आया ना आपने? हाँ, अपने मर्जी से। तो साथ ही मैं कहना चाहूंगा ऐसा इंटरेस्ट होना चाहिए हर बच्चे के अंदर। एग्जाम तो सभी पास कर लेते, आजकल ऑनलाइन में सब कुछ पढ़ाएगा, लेकिन फिजिकल ऐसी चीज है नहीं कर सकते हो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा विप्लव जी, आपने काफी सारे यूट्यूब चैनल देखना होगा, तो अपना त्रिपुरा में अकेडमी बोल के कैसे आपने पता किया आप रानी का सिस्टम? मैं तो सर आपको 6 मंथ से आपको फॉलो कर रहा था यूट्यूब। तो मैंने एसएससी तो मैंने सोचा कि रिटर्न कॉलेज कर लेंगे, उसके बाद आपके एकेडमी आके आपके गाइडेंस से फिटनेस फिजिकल के लिए तैयारी कर। तो साथियों, आप लोग भी आ सकते हो। और हमारे जो त्रिपुरा का स्टेट का जो रहने वाला बच्चे हैं, अदर स्टेट का जो बच्चे हैं, इन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? जो फिजिकल तो रिटर्न का जो आप तैयारी कर लेते बंदे हैं, और जो फिजिकल में जाके जो बच्चे फेल होते हैं, ऐसे टैलेंटेड बंदा होगा बहुत है, लेकिन रिटर्न में 160 में होता है एसएससीजीटी का एग्जाम, 120 या 140 भी लेने वाला बच्चे बहुत है। ये लोग फिजिकल पर ध्यान नहीं देते ज्यादातर रिटर्न के ऊपर। तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे बता दीजिए प्लीज। एसएससी जीडी को क्लियर करने के लिए रिटर्न, फिजिकल और मेडिकल तीनों स्टेप इम्पोर्टेंट। तो आप रिटर्न के लिए तैयारी कर लो तो फिजिकल हल्के में मत लो, फिजिकल वेरी इम्पोर्टेंट और मेडिकल भी वेरी इम्पोर्टेंट। तो फिजिकल के लिए सार की एकेडमी है त्रिपुरा में, आ सकते हो। मैं भी आया, आप लोग भी आ सकते हो। तो शुक्रिया कहना चाहते हो सार को। तो साथियों, आप लोगों के सामने देख सो मैं बता दिया, बिल्कुल स्वयं यहाँ पर बैठे हैं हमारे पास। हमारी अकेडमी ऐसा तो कुछ होगा जो बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि पिछले हमारे जो रिकॉर्ड आप देख सकते हो, हमारे पास 6 बच्चे का ट्रेनिंग होते, 5 बच्चे का सिलेक्टेड था। इससे पहले जो आर्मी का हमारे पास 5 बच्चे आया था, 5 में से हमने 4 को सिलेक्ट दिया है ना। इस बार इंडियन आर्मी में 5 बच्चे थे, 5 में से 4 को सिलेक्ट थे। तो साथियों, कहने का मतलब है देखो, आपके अंदर जुनून जोश होना चाहिए। और दूसरी बात है, अगर आप इंडियन आर्मी का तैयारी करो या एसएससीजीडी का तैयारी करो, तो आपकी इसमें फोकस होना चाहिए, ना ही मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ मेरा पढ़ाई का क्या हो। तो मैं इसलिए बोलता हूँ, अगर पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई एक साल ड्रॉप दो। अगर आप बात आता है करियर की सवाल, पढ़ाई तो हमेशा कर सकते हैं। मैंने भी तो सेमेस्टर एग्जाम कॉलेज में प्रिंसिपल को एप्लीकेशन दे के आ गया कि मैं और 3 मंथ के लिए कॉलेज पे नहीं आऊँ, अभी सिर्फ फोकस एसएससीजीडी में, मैं बाहर जा रहा हूँ अकेडमी ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने पूरा प्रोसेस ये होता है, ये जो स्टूडेंट ने जो बताया इनकी बात को आपको फॉलो करना चाहिए। जितने स्टूडेंट है जो वीडियो देख रहे हैं, आपको ऐसे करने जो अभी स्टूडेंट हमारे विप्लव दास ने किया। अगर आप करियर का सवाल आ जाए तो आप एक साल नहीं 2 साल ड्रॉप दो। आपका सपना ही है जाना डिफेंस फोर्स में, मेरा कहने का मतलब, तो आप डिफेंस फोर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। पढ़ाई तो चलता रहता है, करने के बाद वो एज नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है 18 साल से लेकर 23 साल, 23 के बाद खत्म। मेरा भी 19 साल है। 19 साल, तो अभी बिल्कुल अच्छे सही समय पर आया है। तो साथियों, मैं अभी एडमिशन कराने वाला हूँ। और एक चीज बता देना चाहूंगा, जो हमारे पास फिजिकल जो बच्चे आते हैं, जो इनकी जो फीस स्ट्रक्चर काफी दिन से सबको प्रॉब्लम आ रहा है, तो फीस स्ट्रक्चर है साथियों हमारे पास ओनली फिजिकल की है। एक साल की जो फीस है मात्र 6,000 और रहने खाने का 4,500 रुपये है ये। और हमारे पास ड्रेस का जो किट मिलता है, वो किट है 500 में, आपकी टी शर्ट और पेंट मिल जाएगा, जो हमारी कमांडो की जो ड्रेस होता है वो चीज़ है। तो ये है, यही है हमारी, और कुछ नहीं है बाकी। आप ये जो एक साल ड्यूरेशन रहेगा और मंथली कितना 500 पड़ रहा है मंथली, तो ये हमारी फीस स्ट्रक्चर है। काफ़ी दिन से कमेंट आ रहे, शायद ये भी आप लोगों के सामने क्लियर हो गया। तो साथियों, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द मिलने वाला हूँ। और हमारी जो स्टूडेंट बैठे हैं, जिस दिन सिलेक्शन होगा वर्दी में, यहाँ पर मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं वादा करता हूँ वीडियो पड़े रहेगा। और मेरा एक सपना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैं सिलेक्शन दूंगा, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे इंडिविजुअल वॉलंटियर यहाँ पर आते हैं, इन बच्चों को मैं कोशिश करूँगा सबसे ज़्यादा से सिलेक्शन देने के लिए। तो थैंक यू हमारी अकेडमी में आने से। नमस्कार।
जय हिंद जय भारत।